हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बिहार या स्टेट के बाद आपका जो बीपीएससी टीजीटी 2023 होने वाला एग्जाम है, जैसा कि आप सब पता पा ही गए होंगे आंसर की के माध्यम से कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, उसका रिजल्ट भी जल्द ही आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। एंड बीपीएससी टीजीटी 2023 फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन के लिए मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए, पूरा डिटेल में समझाते हुए प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए, 100% आप सक्सेस होंगे। एंड दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके केवल बिहार बीपीएससी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ही नहीं है, ऑल स्टेट के टीजीटी पीजीटी, चाहे ईएमआरएस हो, यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल स्टेट, ऑलमोस्ट सभी स्टेट के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस सेम होता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, यह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेल यानी कोशिका का थर्ड वीडियो है। एंड इसके बाद आपका स्केलेटल सिस्टम, फिर मस्क्यूलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, जितने भी चीज़ें हैं, नर्वस सिस्टम, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जितने भी टॉपिक आपके बचते हैं, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स मेजरमेंट एंड इतिहास, सारे शिक्षा के सभी से रिलेटेड टॉपिक वाइज सभी एक एक करके पूरा किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, डेली से बेसिस पे बस मेरे साथ बने रहिए। एंड तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, सेलुलर श्वसन होता है, वो कहां पे संपन्न होता है दोस्तों? जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही बताई हूं कि जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होगा, सेलुलर श्वसन तो दोनों होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, एंड जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन, जो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखते ही आप क्या लगाएंगे? एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि अव, यानी कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ठीक है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एरोबिक रेस्पायरेशन, मैं बोल वही रही हूँ लेकिन ऑप्शन दूसरा लगा दे रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सही कर दे रही हूँ। एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायुजीवी श्वसन, वायवीय श्वसन। अगर यही पे होता, कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, तो वहां पे आपका हो जाता अवायवीय श्वसन, यानी कि अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अनएरोबिक रिस्पायरेशन जो अवायवीय श्वसन होता है, वो कहां पे संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। एंड जो वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, वो कहां पे संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया में, जिसे क्रेब्स चक्र, साइट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज को ऊर्जा यानी एटीपी में कन्वर्ट करता है। और एटीपी जो होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमको कार्य करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी इसमें भंडार रहता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कोशिकीय श्वसन के माध्यम से माइटोकांड्रिया में वायवीय श्वसन के माध्यम से, एरोबिक रिस्पायरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को एनर्जी में यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर देता है।
जो कहाँ पे भंडारित रहता है, तो सबसे ज्यादा ये भंडारित रहता है एटीपी इज स्टोर्ड इन मसल्स। सबसे ज्यादा कहाँ पे भंडारित रहता है, मसल्स यानी कि मांसपेशी में। यह मांसपेशी या यकृत यानी कि लीवर दोनों में भंडारित रहता है, बट सबसे ज्यादा भंडारित रहता है मांसपेशी में। जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, हमारा मसल्स होता है। मसल्स कंट्रक्शन होता है एंड फ्लेक्सर एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। जब हमारा जब तक एटीपी रहता है तब तक कार्य करता है, जब एटीपी खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाता है कुछ देर के बाद, तो हम शिथिल पड़ जाते हैं, हमारा जो हम थक जाते हैं, लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो एटीपी किस में भंडारित रहता है, मांसपेशी में यानी मसल्स में, एंड लीवर में भी होता है बट मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है जिसमें हम कार्य करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो आप सबको पता है जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, एंड ऐसे ही पूछेगा तो 46 गुणसूत्र, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। इसको गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्रोमोसोम्स। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं किससे बना होता है, डीएनए यानी हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए से जीन का निर्माण होता है जो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, जो जो विशेषताएं होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। ठीक है, यानी 23 पेयर यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, यानी कि इन कलर ब्लाइंडनेस विच कलर्स इज द पर्सन अनेबल टू डिफरेंटिएट। यानी कि रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसमें किस कलर में भेद नहीं कर पाता, तो तीन रंग होती है RGB यानी रेड ग्रीन एंड कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रे रेड ग्रीन और ब्लैक, काला लाल हरा और, तो इसमें कौन सा कलर नहीं दिखाई देता है रंग वर्णांधता में कलर ब्लाइंडनेस में, तो लाल व हरा रंग यानी कि नहीं दिखाई देता है, रेड एंड ग्रीन। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, यह विटामिन ए की कमी से होता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जो रात में दिखाई नहीं देता, रतौंधि कहते हैं उसे, विटामिन ए के कारण होता है। और वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसे कलर विजन भी कहते हैं, इसमें रंगों में अंतर करने की क्षमता बाधित होती है। यानी दोस्तों आंखों में दो सेल होता है, एक रोड सेल एक कोन सेल। रोड सेल को क्षण कोशिका भी कहते हैं हिंदी में, जो क्या करता है अंधेरे और उजाले में अंतर करने से संबंधित होता है, यानी अंधेरे में एक्टिव होता है, अंधेरे में वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। तो जब रतौंधि होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो उसमें आंखों के रोड सेल जो है वो ग्रसित हो जाता है, जिससे रात को दिखाई नहीं देता है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें एक होता है कोन सेल, जिसे हम शंकु कोशिका कहते हैं। कोन सेल क्या करता है, ये प्रकाश में एक्टिव रहता है। जब अंधेरे में आप देखते होंगे कोई भी चीज का कलर नहीं दिखता है कि ये वस्तु किस कलर का है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो तुरंत दिख जाता है कि ये वस्तु इस कलर का है। तो जो कोन सेल होता है वो प्रकाश में एक्टिव होता है, और जो रोड सेल होता है वो अंधेरे में एक्टिव रहता है। तो जो कोन सेल होता है वो प्रकाश में एक्टिव रहता है और वस्तुओं के रंगों को पहचानने में मदद करता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में यही जो हमारा कोन सेल होता है वो ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण हमको लाल और हरा रंग देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉजेज बाय, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भेद है एक दूसरे में, ये किसके कारण होते हैं, तो ये कारण होते हैं, इसका सही जवाब है वंशानुक्रम एंड वातावरण का प्रभाव, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस।
यानी वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव जो होता है वो व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है। शारीरिक दक्षता की बात कर रहा है, यानी कि द मेन फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एफिशिएंसी इज, यानी शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है, तो ये होता है आपका, इसका भी सही जवाब होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रम एंड वातावरण, जो आपका फिजिकल फिटनेस है, इफिशियंसी है, क्षमता है, उसको प्रभावित करता है आपका वंशानुक्रम विशेषता या जिस वातावरण में आप रहते हैं वो वहाँ का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो पिता के गुणसूत्रों द्वारा, ठीक है, फ्रॉम फादर्स क्रोमोसोम्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया में क्या होता है, इन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड डज नॉट क्लोट, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, यानी एक ऐसा विकार है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जमता, यह एक अनुवांशिक रोग है। इसके लक्षणों में कई बड़ी या गहरी खरोचे, जोड़ों का दर्द व सूजन, अनपेक्षित रक्त स्त्राव या मूत्र या मल में रक्त का शामिल होना होता है। जैसे कि कोई इंसान कट गया, जब रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा तो एक जगह कटेगा तो पूरे शरीर का ब्लड बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप सही जवाब टिक कर दिए होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल, आंसर नंबर बी आपका राइट है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे, कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे जिन्होंने वंशानुक्रम के सिद्धांत का विकास किया था। इनका यह सिद्धांत मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग पर आधारित था। सबसे पहले इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या अनुवांशिकी अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेनेटिक एंडोमेंट, अनुवांशिक अक्षय निधि दोस्तों, जो अनुवांशिकता से, जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उछल कूद हिलना डुलना स्टार्ट करता है और जन्म लेते ही वह अपने हाथ पैरों को हिलाता डुलाता है, यानी जो गति है, तीव्रता है, तेजी है, वही आपका होता है अनुवांशिक अक्षय निधि। क्या होता है, जन्म से ही विद्यमान होता है दोस्तों लोगों में, ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंटेंसिटी यानी कि तेजी तीव्रता जो होती है, हमारी स्पीड होती है, गति जो होती है, वो अनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में होती है, सभी में सेम पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता की बात नहीं कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता में आपकी शारीरिक भिन्नता ही नहीं आएगा, उसके स्वभाव कैसा है, बुद्धि कैसा है एंड उसका शरीर की रचना कैसा है, तो उसमें अनुवांशिकी और वातावरण दोनों आ जाता है, जो आपका पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंस बोलेगा तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक भिन्नता कह रहा है कि शरीर का कलर कैसा है, उसका बाल कैसा है, उसका त्वचा कैसा है, और ये सभी चीजें आपके कौन निर्धारित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे आप देख के बता देते हैं कि वो उसका बेटा है, ठीक है, यानी कि ये अनुवांशिकता के कारक है कि नहीं, किसका कारक है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हाउ टू पीपल डिफर फिजिकली, यानी कि लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है, तो किससे निर्धारित होती है, हेरिडिटी से, शारीरिक भिन्नता वाली अनुवांशिकता से, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता से लोगों की शारीरिक भिन्नता होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और आप थ्योरी पढ़े हैं तो आसानी से क्वेश्चन दे देंगे आंसर। यहाँ पे शारीरिक भिन्नता जो फिजिकल स्ट्रक्चर है
शारीरिक कलर कैसा है, आंखों का कलर, और ये सभी चीजें आपके आते हैं हेरिडिटी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। जबकि जो उसका जो स्वभाव है, आदतें हैं, ये सभी चीजें आप वातावरण के साथ होती हैं। तो ये पर्सनालिटी की बात करेगा तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द थियरी ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है, वो ये सहज प्रवृत्ति है, अपने आप आती है किसी चीज को देखकर, या अच्छा अभिप्रेरणा आएगी। अभिप्रेरणा जैसे कि दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक जन्मजात होता है, जैसे भूख प्यास दुख दर्द संवेग जो इमोशंस होते हैं, और जो आप पदवी हासिल करते हैं, पुरस्कार दंड, ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा हैं। तो इनमें से अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक, यहाँ पे जीव वैज्ञानिक, यहाँ पे शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, जीव वैज्ञानिक अधिगम, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द थ्योरी। तो बायोलॉजिकल को ध्यान में, यानी कि आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी कि सहज प्रवृत्ति की धारा आंतरिक। यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन देख के ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उद्गार का सिद्धांत हो जाएगा। उद्गार यानी कि सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, जिसके किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। सहज वृत्ति में कोई प्रशिक्षण शामिल नहीं होता, यह अंतर्निहित होता है और किसी प्रशिक्षण के बिना ही प्रयोग के लिए तैयार रहती है। ये प्रवृत्तियां जैविक रूप से प्रेरित होती हैं। एंड नेक्स्ट है, इनमें से कौन कारक ऐसा है, यहाँ पे कर्क हो गया है दोस्तों, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कर्क नहीं है, यहाँ पे कारक है, ठीक है, कारक यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, कारक, यहाँ पे बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, कारक, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ दिस फैक्टर, यहाँ पे कंसर्न नहीं होगा, ठीक है, फैक्टर इज सच दैट चेंज इज नॉट पॉसिबल इन एनी वे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं है, तो कौन सा कारण, बॉडी का कलर कैसा है एंड उसका रंग कैसा है, गति कैसा है, स्वभाव कैसा है, दैहिक क्रियाशीलता कैसा है, ऊंचाई, शरीर रचना, ये सब हम नहीं बदल सकते। तो ये सब निर्धारण कौन करता है, अनुवांशिकता, कौन निर्धारण करता है, अनुवांशिकता, यानी कि वंशानुक्रम विशेषता जो होती है, इनहेरिडेट जो ट्रेड्स होते हैं, यानी कि वंशानुक्रम विशेषता, ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कौन यहाँ पे वंशानुक्रम का विषय है, तो यहाँ पे वंशानुक्रम का विषय कौन है, व्यक्तित्व के लक्षण, जो पर्सनालिटी के लक्षण हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी व्यक्तित्व के लक्षण जो हैं, जीवों के लक्षण जो एक पीढ़ी यानी जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी पीढ़ी में जाते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं, वंशानुक्रम या अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के लक्षण पर्सनालिटी ट्रेट आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सेल? तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट याद रखना जरूरी है, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि कोशिका का रासायनिक नाम है साइटो, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एंड जैव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था परकिंजे ने 1839 में
एंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था एंटन वॉन लीवेनहॉफ ने, एंड केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे कि किस कोशिका में विभाजन नहीं होता, तो न्यूरॉन में, जो हमारे मस्तिष्क जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वह न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से उसमें विभाजन नहीं होता, इसलिए सिर पर चोट जो है बहुत खतरनाक होता है। एंड सबसे तेज विभाजन किस में होता है, तो सबसे तेज विभाजन होता है लीवर यानी यकृत में। ये अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सबसे जल्दी ठीक कर देता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो होता है हमारा लीवर। अगर लीवर गड़बड़ हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ, तो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मानव शरीर की जो कोशिका है दोस्तों वह, व्हाट आर द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि मानव शरीर की जो कोशिका है वह किससे बनी होती है? तो वह बना होता है वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि जल प्रोटीन नाभिकीय तेजाब उपरोक्त सभी से मिलकर बना होता है। तो मानव शरीर की कोशिका किससे मिलकर बना होता है, जल प्रोटीन और नाभिकीय तेजाब से। एंड नेक्स्ट है, आंखों में शंकु कोशिका का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों अभी मैं जस्ट बताई थी कि हमारे आंखों में दो कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं? एक शंकु कोशिका जिसे कोन सेल कहते हैं, एक छड़ कोशिका जिसे कोन सेल कहते हैं। तो दोनों का क्या कार्य है दोस्तों? यहाँ पे जो शंकु कोशिका होती है वो प्रकाश में एक्टिव रहता है, यानी कि जब हम कोई प्रकाश, आप अपने से ऑब्जर्व कीजिए, आप अंधेरे में हैं, आप कोई बाल्टी है या कोई बुक है या कोई सामान है, कोई कपड़ा है, अंधेरे में तो पहचान नहीं पाएंगे कि किस कलर का है। यानी कि शंकु कोशिका यानी कि आंखों का जो कोन सेल होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आंखों में तो दो सेल होते हैं, सबसे पहले मैं इसको बता लेती हूँ, दो सेल होते हैं, दोनों का क्या कार्य है? तो जो शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल होता है, इसका कार्य होता है प्रकाश में रंगों को पहचानना, प्रकाश में रंगों को पहचानना इसका कार्य होता है। एंड एक होता है आपका छड़ कोशिका यानी रोड सेल, वह अंधेरे में एक्टिव रहता है, अंधेरे में वस्तु को पहचान करने में सहायता करता है। तो रोड सेल जो है अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती है, रोड सेल जो छड़ कोशिका होती है अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती है, यानी कि मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने का कार्य करती है कौन, रोड सेल यानी छड़ कोशिका। और अंधेरे में केवल रोड सेल ही एक्टिव रहता है, जैसे कि रात्रि चर जानवर में जब हमारे हमको रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो जो रोड सेल के ऊपर रॉप्सिन लेयर होती है जिसमें रेटिनिन और ऑप्सिन होता है, तो विटामिन ए जब कमी होती है तो रेटिनिन जो है वो रॉप्सिन लेयर जो है वो खराब हो जाती है रोड सेल का, और विटामिन ए की कम होने से रेटिनिन नहीं बनता है, और रेटिनिन की कमी से रॉप्सिन लेयर खराब हो जाती है और रोड सेल काम नहीं करता है, जिससे व्यक्ति अंधेरे में नहीं देख पाता है, ठीक है। यानी कि मंद प्रकाश में ही रोड सेल पर रॉप्सिन की परत बनती है ताकि व्यक्ति वस्तुओं का आभास कर सके। जैसे आपको हल्का हल्का अंधेरा रहता है तो आप वस्तुओं का आभास कर लेते हैं, तो उस समय कौन आपको आभास कराने देता है, रोड सेल यानी कि जो छड़ कोशिका होती है। और एक होता है शंकु कोशिका जो क्या करता है, तीव्र प्रकाश में रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये अंधेरे में एक्टिव नहीं होता। जैसे कि आप प्रकाश पड़ते ही सब वस्तु दिखाई देने लगा कौन कौन कलर का है, तो वो कौन सा दिखाई, कौन कोशिका आपको देखने में मदद कर रहा है, शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल। यह तीव्र प्रकाश में रंगों के अंतर बताती है, जैसे यह लाल पीला हरा नीला, ज्यादातर ये आर जी बी रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर को जो प्राकृतिक रंग है उसको
विशेष रूप से पहचानने में मदद करती है, उसी से सभी रंग बने हुए हैं। तो दोस्तों जब कभी अंधेरे में आप जाते हैं तो कौन सेल में एक तरह का प्रोटीन होता है जो निकलना बंद हो जाता है, इस वजह से कलर नहीं पहचान पाते। अब कल कौन सेल तीन पे चीजों में मदद करता है, RGB यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू। इस प्रकार जब नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है रोग, जो विटामिन ए की कमी से ही होता है, तो उसमें कौन कौन कलर देखने में परेशानी होती है, लाल और हरा। जैसे कि दोस्तों उल्लू होता है, उल्लू में कौन सेल नहीं होता इसलिए वह दिन में नहीं देख पाता, रात को ही देख पाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप अब आसानी से दे लेंगे। आंखों में शंकु कोशिका का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉर्न सेल इन द आईज। तो कॉर्न सेल को इंग्लिश में कहते हैं, कॉर्न सेल को हिंदी में कहते हैं शंकु कोशिका। इसका क्या कार्य है अभी जस्ट बताएंगे। ये प्रकाश में एक्टिव रहता है, रंगों को बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यह रंगों का वर्गीकरण करता है, यानी कि इट क्लासिफाइड कलर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आंखों में छड़ कोशिका यानी कि रोड सेल का क्या कार्य होता है, यानी व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रोड सेल इन द आईज, यानी कि आंखों में छड़ कोशिका क्या कार्य होता है रोड सेल का। तो यह क्या अंधेरे में एक्टिव रहता है, अंधेरे उजाले में फर्क बताता है, मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने में मदद करता है। तो यह किस, यह इसमें कौन सा आसन राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी आसन नंबर बी राइट होगा। इट टेल्स अबाउट लाइट, यानी कि यह रोशनी के बारे में बताता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सेल इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड, यानी कि कोशिका के दो भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोशिका को दो भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है माइटोसिस। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितनी होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो सेम होते हैं अपने ही समान कोशिका का विभाजन करते हैं, बट जो 23वां जोड़ी होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसका मैं विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है, डिटेल में बताया गया है, उस थ्योरी वाले सेशन को देख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, एक समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, एक अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। जो समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, अपने ही समान जैसा है वैसा ही कोशिका का विभाजन करता है, अर्थात जहाँ गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार वैसे ही रहते हैं, यानी एक द्विगुणित पित्त कोशिका अपने जैसे ही द्विगुणित कोशिका को जन्म देती है। यह विभाजन केवल कायिक यानी दैहिक कोशिका में होता है, यह 22 गुणसूत्रों से होता है। जैसे कि आप डेली बेसिस पे आपको प्रति सेकेंड करोड़ों कोशिकाएं नए नए बन रही है और मर रही हैं, ये सब माइटोसिस के कारण हो रहा है। 22 जोड़ी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रक्रिया में कर रही हैं, और इसमें चार स्टेज में संपन्न होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसके बाद की अवस्था इंटरफेज होती है। एंड एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको मायोसिस कहते हैं, केवल जनन कोशिका में होती है, यानी पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम में, इन दोनों को छोड़कर शरीर की सारी कोशिकाएं दैहिक कोशिका होती है, जैसे कि पुरुष में XX और महिला में XY गुणसूत्र पाया जाता है, इनके माध्यम से होता है यह विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें सभी दो दो फेज में होती है, यानी 8 फेज हो जाता है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज, टेलोफेज, ये सभी दो दो फेज में 8 अवस्था हो जाती है, और इसके बाद की अवस्था विरामावस्था इंटरफेज कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में 20 MCQ क्वेश्चंस थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सेल यानी कोशिका से रिलेटेड यह क्वेश्चन समाप्त होता है। एंड अब आपका स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इस प्रकार सभी टॉपिक्स रिलेटेड फिजियोलॉजी के सिलेबस में जो भी आता है सभी को मैं इसी तरह एक्सप्लेन करते हुए आपको पूरा कराऊंगी, बस आप डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।